नेल का जो कलर है ऐसे दिखेगा बाद में, ये सारे ऑप्शन से पर्पल गिरा फेवरेट है। कुछ भी दिखा तो पर्पल ही उठाती है। मीनल जी उसका बात मत सुनो, जो मैंने देखा है वीडियो में उनका कलर है ना फेवरेट पर्पल ही रहता है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो फिर ये देखो सुबह सुबह फ्रांसिस कर रहा है ब्रेकफास्ट। गुड मॉर्निंग, मैं जल्दी जल्दी खा रहा हूँ। एक्चुअली आज ना अभी निकल रहे हम लोग पार्लर में जा रहे हैं हम लोग। एक्चुअली कॉपी करने सीजन भी आ रहा है और मैंने ना देख कितने दिन से पार्लर में गई नहीं और यहाँ वहाँ धूप में घूम घूम के ना मेरा पूरा स्किन टैन हो गया। वैक्सिंग नहीं किया, कुछ भी नहीं। मुझे एक्चुअली हेयर कट भी चाहिए था। अभी देखती हूँ मुझे क्या क्या टाइम मिलेगा करने के लिए। सरिता कब से पीछे पड़ी थी, थोड़ा मुझे सैलून में जाना है और हाँ। कुछ वैक्सीन वगैरह करना है करके मैं बोला ठीक है जाएंगे, थोड़ा फ्री होने तो जाएंगे। पर फ्री होते 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 हुआ ही नहीं। कल गणेश चतुर्थी है तो आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको लेके जा रहा हूँ पार्लर में। उसको कुछ कुछ करना है, वैक्सीन वगैरह क्या करना है उधर जाके डिसाइड करेंगे। फिलहाल टाइम तो हो गया, मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट करता हूँ, निकलते हैं। मैंने और शंकर ने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट किया। देखते लग गया, मेरा भी थोड़ा हेयर कट कर लूंगा ना, ये साइड में थोड़ा बड़ा हुआ है, थोड़ा देखते क्या होता है, लोग पहचानेंगे नहीं बाद में। हीरोइन को भी दिखाना जरूरी है। मिकू येता गो पार्लरान, येता पहिली सगळ्यांक कोण पहिली सगळ्यांक गुड मॉर्निंग म्हण। ओके यस गाइस, तो फाइनली लेट हो गया। एक्चुअली 11 बजे का अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, अभी लगभग 11:30 बज रहा है, अभी हम लोग निकल रहे हैं। चतुर्थी है ना, तो काफ़ी सारे हम लोग रिलेटिव के घर पे जाने वाले हैं, तो थोड़ा खुद को अच्छा दिखना है। ये देखो आ गई, जहाँ पे लेके जा रहा हूँ ना वो जो बंदा है स्पेशलिस्ट इन नेल आर्ट। नेल आर्ट बहुत अच्छा करता है, उसका भी दिखाता हूँ, उसका स्टोर में जाके सारी चीज़ें दिखाता हूँ और उसको करवा के लाते हैं। बने रहो, अभी हम लोग निकल रहे हैं लगभग 11:30 बजे का अपॉइंटमेंट थे, 11:30 हो गया। मौसम क्लाउडी है, बारिश आ सकता है, पर वहाँ पे पहुँचने के बाद आगे का आपको दिखाता हूँ। ये देखो सीन देख रहे हो, जस्ट हम लोग आधे रास्ते में पहुँचे थे, यहाँ आया बारिश और बारिश जस्ट आया चला गया। सरिता जैकेट डाली तब तक बारिश खत्म। हाँ ये बारिश देखो ना अचानक, अभी देखो फिर से धूप आ गया है, तो ये सीन चल रहा है। लेट भी हुए और ये बारिश भी ऐसे परेशान कर रहे थे। अभी हम लोग ना पहुँच गए सालीगांव के एरिया में, यहाँ पे ना एक चर्च है, सुपर व्यू है, दिखाता हूँ ये साइड का व्यू देखो कितना सुंदर दिख रहा है ना। कलंगूट के ओर जा रहे हैं तो ऐसे में ये चर्च का नज़ारा कितना सुंदर दिख रहा है। ये सालीगांव एरिया है और अभी मैं सरिता को दे दिया हूँ बाइक चलाने के लिए। सरिता बाइक चला रही है क्योंकि मुझे कॉल्स ना बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रहा है और नज़ारा देखो क्या सुंदर है। तो चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से, पहुँचते हैं और उसके बाद दिखाते आपको, बताते, रुक जाओ। यस गाइस, फाइनली हम लोग कलंगूट एरिया में पहुँच गए, यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, आगे है अपना सैलून। ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ना, ये साइड में कांदोलिम के रोड है और ये साइड में कलंगूट भागा जाता है। मटका मुर्गा करके यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये देखो मटका मुर्गा रेस्टोरेंट है। इसके ऑपोजिट ये वाले हम लोग जो सैलून है इसमें जाएंगे, नेल मास्टर मनीष करके ये सैलून का नाम है। गाड़ी हम लोगों ने यहाँ पे पार्क किया है, देखो ये इनके एंट्रेंस में ही है, सारे हेयर स्टाइल वगैरह नेल आर्ट वगैरह इनको करते हैं। इनका पोस्टर आप देखो, नेल आर्ट में फेमस है ये बंदा। यस गाइस, फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं स्टूडियो में। हाय मीनल, कैसे हो? पूरा ये होता है ना, एक ही बार करो, उसके बाद रिमूव कर दो, उसके बाद गैप दे दो। जो कंटिन्यू करते हैं ना, कंटिन्यू जो गैप नहीं देते तो नेल्स डैमेज होता है। मैं तो सजेस्ट करूँगी एक्सटेंशन एक बार कर लो, ट्राई कर लो। आने के लिए करूँगा, मुझे थोड़ा हेयर को ये करना था। हेयर का क्या करना है? हेयर कट, हेयर कट भी कर। ओके, और वैक्सीन कर लो हाथ का। वैक्सीन पहले नेल्स का। ओके ठीक है, तो तीन प्रोडक्ट है, वैक्सीन होगा हाथ का, हेयर कट और नेल एक्सटेंशन। ठीक है, पहले क्या करेंगे हम लोग? नेल एक्सटेंशन। ओके चलो, इसका नेल एक्सटेंशन होगा और इसके बाद बाकी का होगा, बने रहो दिखाता हूँ। चेहरे पे हंसी तो देखो। फाइनली सर का काम स्टार्ट हो गया, यहाँ पे नेल पेंट और नेल एक्सटेंशन चलेगा मेरे ख्याल से ना। इसको कितना टाइम लगेगा? हाँ इसको ही, अरे देवा आज ना यहाँ पे मेरा लंच और डिनर भी होने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है। ये करने दो भाई। आपका नाम? तुषार। तुषार, ओके। तो दोनों हाथ एक साथ चल रहा है काम, लेफ्ट हैंड राइट हैंड का। मुझे तो बैठना है, सिर्फ इंतज़ार करना है कब मैडम का होगा, फिर घर लेके जाना है, ये काम है। चलो ठीक है, यहाँ पे सरिता का नेल एक्सटेंशन चल रहा है। अभी मुझे टेंशन क्या हो रहा है पता है? आज के बाद ना बर्तन शायद मुझे धोना पड़ेगा।
सुनंदा है तो सरिता यहाँ पे एक्सटेंशन करके ले रही है। चलो ये कितने दिन के लिए रुकेगा? 15 to 20 days आराम से रहेगी। चलो तो तेरा चतुर्थी निकल जाएगा आराम से। 15 to 20 days आप काम कर लो। नहीं नहीं आते हैं, 15 दिन नहीं आते हैं। कोई सिर्फ संडे को नहीं आते, संडे को ईद होएगा। संडे को शंकर को बोलते धोने के लिए। ये देखो मेरे ख्याल से सरिता का नेल एक्सटेंशन हो गया, लगा लिया ना, अभी क्या करें? टिप लगाया, अभी एक प्रोडक्ट लगाना बाकी है, उसके बाद फिनिशिंग बाकी है, उसके बाद ये आएगा पॉलिश आएगा। ओके तो मैं ना सरिता का रिएक्शन यहाँ पे शूट कर रहा हूँ। घर पे क्या होता है ना, वो नेल बड़ा करती है, बर्तन धोते वो टूट जाता है, तो ऐसे मुँह ऐसे करके बैठती है। आज तेरा बड़ा बड़ा नेल किया जा रहा है दोनों हाथ का, तो यहाँ पे चल रहा है पहला जो है इनका चल रहा है नेल एक्सटेंशन, और उसके बाद इसको आर्ट करोगे या ऐसे प्लेन रहेगा? उनके ऊपर है, उनको पॉलिश प्लेन चाहिए कि आर्ट करना है? इसको आर्ट पसंद है, वो करते रहते घर, अपने वीडियो देखा है पॉलिश का आर्ट तो कुछ कुछ करते रहते हैं। रक्षाबंधन में किया था ना, कुछ कुछ अपने आइडिया लगा के वो टूथपिक वगैरह से कुछ करते रहती है। आज तो करके लेंगे, एक अच्छा वाला नेल आर्ट करके लेंगे। टाइम है, टाइम तो लगेगा, और मैं चुपचाप यहाँ पे बैठा हूँ, जब तक नहीं होगा मैं इधर नहीं तो उधर रहूँगा, मैं आपको इधर ही दिखूँगा 2-3 घंटा। आज नेल का जो कलर है ऐसे दिखेगा बाद में, ये सारे ऑप्शन से पर्पल गिरा रहे कुछ भी दिखा तो पर्पल ही उठाती है। मीनाल जी उसका बात मत सुनो, जो मैंने देखा है वीडियो में उनका कलर है ना पर्पल ही रहता है, उसके हाथ के साथ जो मैच होगा ना वो करो, वो पर्पल ही उठाएगी कुछ भी। तो हम आए हैं नेल मास्टर मनीष करके, इनका स्टूडियो है यहाँ पे कलंगुट में, और इनका इंस्टा आईडी है, आपको अगर चेकआउट करना है ना आप इंस्टा आईडी फॉलो करो, मैं दे दूंगा वीडियो के नीचे, उनसे फॉलो करो और देखो उनका आर्ट, और उसके बाद बिल्कुल आप विजिट कर सकते हो, काफ़ी सारा आउटलेट है। तो जब तक सरिता के यहाँ पे एक काम ख़त्म नहीं हो रहा ना, थोड़ा स्टूडियो के बारे में बताते हैं, स्टूडियो के बारे में कहाँ कहाँ पे और आउटलेट है? कलंगुट है, पंजीम में, परवरी में, चौगम रोड पर है, मड़गांव में है, वास्को इन मुंबई, और यहाँ पे भी अपना पोंडा में भी है। ओके तो काफ़ी सारे आउटलेट है गोवा में, बिल्कुल कहीं से भी आप अगर देख रहे हो, आपको अगर क्या क्या सर्विस और है बताओ? नेल्स का है, ओके, हेयर का है, ब्यूटी का है सर, हमारे पास सारे सर्विस मिल जाएंगे, आईलैशेस भी है सर। जी जी तो हमारे पास ये आपको अगर सर्विस लेना है ना इनका स्टूडियो बिल्कुल विजिट कर सकते हो। कलंगुट का तो मैंने आपको दिखाया स्टूडियो, आपको जैसे दिख रहा है ना काफ़ी बड़ा स्टूडियो है, स्पेशियस है, और बिल्कुल हाइजीन तो यहाँ पे प्रॉपर, मैं जैसे देख रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। एक काम करते हैं अभी ना, तो सर जी स्टूडियो का एक टूर दिला दो। ओके सर, क्या क्या सर्विस है? ठीक है तो अभी तो सर जी हमें हेल्प करेंगे, थोड़ा स्टूडियो आपको दिखाते हैं। चलो जब तक इनका होगा ना तब तक पूरा स्टूडियो आपको दिखाऊंगा मैं। ये हमारा सब पॉलिश है, नेल पॉलिश, अभी 3D आर्ट भी होता है, 3D आर्ट के भी कलर है, नेल्स के जैसे डिजाइन चाहिए, आर्ट चाहिए, स्टोन। तो ये जो प्रोडक्ट आप दिखा रही है पूरा नेल आर्ट के लिए? सारा सर नेल आर्ट के लिए। चलो तो यहाँ पे नेल आर्ट के लिए सारे कलर्स और प्रोडक्ट आपको दिख रहा होगा, और ये सेक्शन पूरा पेडिक्योर का सर, पेडिक्योर का सेक्शन है यहाँ पे, यहाँ पे, और ये सेक्शन यहाँ पे चल रहा है नेल आर्ट के लिए है ना सर? यस सर, सरिता के यहाँ पे चल रहा है, और ये कौन सा सेक्शन? ये नेल्स का सेक्शन है, ये भी ये नेल्स का पॉलिश है सारे, नेल पॉलिश के सर, डिफरेंट कलर्स इनके पास है। ये सेक्शन है हेयर कटिंग, हेयर स्पा का ये सेक्शन है। तो स्टूडियो का टूर आपको दे दिया, अभी ना ये स्टूडियो के बारे में बताता हूँ। ये जो स्टूडियो है ना नेल मास्टर मनीष, ये स्पेशल इन नेल आर्ट, नेल आर्ट में, इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल में दिखाता हूँ। ये देखो ये सारे ऑप्शंस मिलता है, आप अपना नेल को कैसे शेप दे सकते हो, बिल्कुल यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास है, ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसे आपको करके मिल जाएगा। तो यहाँ पे ना अभी फाइनल मेरे ख्याल से पेंट होगा, कलर पेंट होगा, यहाँ पे कलर कौन सा सिलेक्ट किया? ये वाला, ठीक है। ट्रायल दिखा थोड़ा कैसे दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे लगा के इनको ट्रायल करवाया है, ऐसा कुछ दिखेगा। तो फिर अभी नेल पेंट लगा रहे हो ना, मैं चेंज कर सकते हो इसको? नहीं, घर पे चेंज नहीं होगा, ये जेल पॉलिश है, घर पे हम लोग करते हैं नॉर्मल पॉलिश है ना, ये जेल पॉलिश है, ये 15 to 20 days रहेगा। अरे अच्छा, तो फिर
दूसरा कलर नहीं लगा सकते नहीं, और ये एसीटोन से भी क्लीन नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे देखो मेरा नेल एक्सटेंशन हो गया फाइनल। तो कैसा लगा तुझे? हाँ, बहुत ही पसंद आया क्योंकि मुझे मेरा फेवरेट कलर भी लगा के दिया इसको पर्पल ही चाहिए, टी शर्ट के साथ मैच भी हो रहा है। हाँ, पर्पल पर्पल। हाँ, और ये ना नेल तब तक है ना, इसका नेल एक्सटेंशन 15-20 दिन रहेगा। हाँ, अराउंड 20 डेज रहता है। और ये नेल पेंट भी 20 डेज तो ऐसे रहेगा, मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं अभी। बार बार पसंद आया तुझे? बहुत पसंद आया, थैंक यू। चलो अभी जो सर्विस हो ना ये वैक्सीन करेगी सरिता, हाथ का ना ये थोड़ा बाल आ गया है और इसके लिए हेल्प करेंगे। आपका नाम? सानवी। इनके वैक्सीन अभी करेंगे तो इसको चेंज करना पड़ेगा, तो इनके ऑलरेडी रेडी है यहाँ पे, तो कर। मैं तब तक ना मैं मेरा हेयर कट करके ले लेता हूँ। काफ़ी टाइम से शूट करते हुए अभी मैं ना अभी थोड़ा हेयर कट करके ले रहा हूँ, बाल लंबा हो गया है। जस्ट एक सिंपल सा हेयर कट और सरिता के होने के बाद यहाँ से निकलेंगे। पंद्रह बीस मिनट में सेट, भाई ने मुझे सेट कर दिया, इसके ख़त्म हुआ ही नहीं अभी तक, चल रहा है, टाइम लगेगा, लड़की लोगों का तो टाइम लगता ही है। हो गया अपना? जी, थैंक यू। तो फिर यहाँ पे देखो मेरा सब कुछ हो गया, हेयर कट हो गया फाइनली, इसका लुक ही चेंज हो गया देखो। हाँ, अच्छा दिख रहा है, पीछे से दिखा था ना। बढ़िया बढ़िया सा कट हो गया है, हेयर कट फाइनली, सारी चीज़ें हो गया है। लुक चेंज हुआ है ना सरिता का, देखो काफी सारे अभी क्राउड भी है, काफी क्राउड भी है इवनिंग के टाइम पे, क्योंकि अभी ना एक्चुअली यहाँ पे चल रहा है गणपति का ऑफर चल रहा है, गणेश चतुर्थी का ऑफर चल रहा है, इसके वजह से आप अगर ये साइड में देखोगे ना लोग अभी पूरा स्टूडियो में भरे हुए हैं। हाँ, 24 तक इनका ऑफर चल रहा है, बिल्कुल आप विजिट कर सकते हैं, इनका आउटलेट सारे जगह में है। डिस्क्रिप्शन में ना इनका कॉन्टैक्ट डिटेल लोकेशन वगैरह डाल दूंगा, चेक करके बिल्कुल विजिट करो और ऐसा सर्विस ले सकते हो। काफ़ी बढ़िया, मुझे तो पसंद है इसका हेयर स्टाइल, काफ़ी दिन बाद ये चेंज दिखा मुझे, है ना। चलो निकलते हैं यहाँ से, है ना, आ जाओ। बहुत अच्छा लगा मिलकर और सर्विस आपका। तुझे इसको हाँ, पूछना चाहिए, मुझे तो बहुत पसंद है। हाँ? अच्छा सर्विस, बेस्ट सर्विस, सुपर्ब था एक्सपीरियंस मेरा, बहुत अच्छा था यहाँ पे। अच्छा हाँ। चलो हम लोग यहाँ से निकल रहे, चलिए थैंक यू। यस गाइस, फाइनली हम यहाँ से निकल रहे हैं ये स्टूडियो से, इसका लुक पूरा चेंज कर दिया है, इसका लुक दिखा थोड़ा पीछे के साइड, अच्छा दिख रहा है, वाह मस्त है। हाँ, बहुत अच्छा हेयर कट, मुझे बहुत पसंद आया ना। हाँ, लास्ट टाइम भी किया था मैंने पर इतना अच्छा नहीं किया था। अच्छा दिख रहा है। तो हम लोग अभी ना खाने के लिए जा रहे हैं, टाइम हो रहा है लगभग 3:30-4 हो रहा है, लेट हो गया, ये काम में लेट होता है। यहाँ पे आए थे हम लोग, नेल मास्टर मनीष पीछे जो आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल ये कलंगूट एरिया में है, आ सकते हो, लोकेशन वगैरह डाल दूंगा। फिलहाल भूख लगा है, हम ये रेस्टोरेंट में जा रहे हैं यहाँ पे नवरत्न, भाई कुछ मिलेगा खाने को? नेल दखेता दखे मेरे दादा नेल, पर्पल कलर का नेल। और सरिता ना एवरी टाइम बोल रही थी ऐसे बाल दोनों साइड छोड़े करके, अभी दोनों साइड बाल छोड़ने में अच्छा दिख रहा है, ऐसे जो कली कली हुआ है ना ये अच्छा दिख रहा है। तो अभी हम लोग ना इसका उधर स्टूडियो से आ गए यहाँ पे, इसके ऑपोजिट ही था नवरत्न प्योर वेज रेस्टोरेंट में आए हैं, यहाँ पे कुछ खाते हैं और उसके बाद और एक अपॉइंटमेंट है उसको भी हम करेंगे और उसके बाद जाएंगे घर, बने रहो। इस रेस्टोरेंट ने आज हमारा पेट पूजा किया है, थैंक यू। चलो आ जाओ। जस्ट पहुँचे और बारिश का आवाज़ देखो, मोटा बारिश आ रहा है, शंकर बंद कर रहे। आते आते ना हम लोग एक्चुअली रात हो गया, हमारा एक दूसरा जो अपॉइंटमेंट था उधर करके आए हम लोग, लेट हो गया आके, डायरेक्ट हम लोग अभी इसके साथ थोड़ा टाइम के लिए खेलेंगे और उसके बाद हम लोग फ्रेश हो जाएंगे। ये रुकती है ना, हम लोग कब आएंगे थोड़ा खेलना है करके, ये देखो आ गई उधर थी, वहाँ से बेड में आ गई, अभी थोड़ा इसको नाइस करना पड़ेगा, ये हमारा रूटीन है। बाय बाय मोर, इतले चौकात नूले मत्तेन पोतून की दे बाय बाय करता तो नान कुलुंग दाय ना गए। अभी हम फिलहाल ब्लॉग का एंड करते हैं, नानू के साथ थोड़ा यहाँ पे मस्ती करेंगे मीकू के साथ, और जल्दी मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अगले ब्लॉग जो होगा ज़्यादा करके अभी
चतुर्थी का ब्लॉग आपको दिखेगा, गणेश चतुर्थी काफ़ी सारे इन्विटेशंस है, काफ़ी सारे रिलेटिव के घर पे भी जाना है, तो वो सारे ब्लॉग आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या बोलते हैं अलग अलग पापा का दर्शन कराएंगे। इन दिनों आपको कंटिन्यू ये ब्लॉग देखने को मिलेगा। बाकी उसके बाद हम जल्दी ही, टाइम भी नज़दीक आया है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था केदारनाथ कब जा रहे हो, अभी पहले छोटा पापा से मिल लो, गणपति पापा से मिल लो, उनके पापा से आपको अगले महीने मिलाएंगे। जी हम लोग अगले महीने जा रहे, कितने तारीख को जा रहे हैं वो बाद में बताएंगे, पर जा रहे यस जल्दी जाएंगे, उसका भी वीडियोस आएगा। काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि कब जा रहे हो बताओ करके, बिल्कुल जा रहे। तो अभी हम ब्लॉग का एंड करेंगे आज, बहुत टायर्ड हो गए, बाय बाय।